हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। सो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं अभी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा रही हूँ, कल्चर सिस्टम जिसमें पढ़ रहे हैं हम लोग फर्मेंटेशन या फिर कल्चर। आप लोगों का जो है कल मैंने फेड बैच के बारे में बताया था, फेड बैच कल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। कल मैं आप लोगों को सेमी कंटिन्यूअस कल्चर पढ़ा रही थी जब आप लोगों की सडन में क्लास खत्म हुई थी, तो सेमी कंटिन्यूअस कल्चर को आज मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है या फिर किसी को वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है उस कंडीशन में मुझे आप कॉल करके बता सकते हैं। सेमी कंटिन्यूअस कल्चर, ओके। तो सेमी कंटिन्यूअस कल्चर स्टार्ट करते हैं। तो सेमी कंटिन्यूअस कल्चर में मैं क्या बता रही थी, जैसा कि हम बैच और फेड बैच में देखे थे, बैच कल्चर में क्या है कि हम लोग एक बार में डाल देते थे सबस्ट्रेट को और वो चलते रहता था। फेड बैच में हम लोगों को बार बार डालने रहता था। इससे कुछ कुछ आपके डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन इसमें कुछ फायदे भी थे। क्या फायदे थे कि ये जो है आपके प्रोडक्ट यील्ड को बढ़ा देता था और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए इसे यूज किया जाता था, किसे, फेड बैच को, ठीक है। और आज जो मैं सेमी कंटिन्यूअस कल्चर के बारे में बताऊंगी उसे डिस्कस करते हैं। Some of the product of fermentation are growth linked and such products are formed at the end of the log phase. For example, ethanol production in semi-continuous fermentation, a portion of the culture medium is removed from the bioreactor and replaced by fresh medium. अब अगर आपका जो bioreactor है, जैसे कि ये आपका bioreactor है, ठीक है, इस bioreactor के अंदर जो है आपका जितना भी कल्चर मीडियम या फिर जो आपने रॉ मटेरियल डाला है डाल के रखा हुआ है। अब जो सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन अगर हो रहा है, देखो कल्चर या फिर अगर मैं इसको फर्मेंटेशन भी बोलूं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन या सेमी कंटिन्यूअस कल्चर, इसे कंफ्यूज मत होना। तो सेमी कंटिन्यूअस अगर कल्चर हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि आपने जो कल्चर मीडियम इसमें डाल के रखा हुआ है आपके बायोरिएक्टर में, उसका कुछ हिस्सा जो है थोड़ा सा कल्चर मीडियम निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे फ्रेश मीडियम को हम इंसर्ट करते हैं, फ्रेश मीडियम को हम अंदर डालते हैं, ठीक है। फ्रेश मीडियम को हम डालते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। पुराना वाला कल्चर मीडियम को निकालते हैं और उसकी जगह पे नया वाला फ्रेश मीडियम को, जो फ्रेशली बना हुआ मीडियम है उसको हम डालते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है आपके सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में होती है। इथेनॉल प्रोडक्शन में ऐसा यूजुअली किया जाता है जिसमें पुराने कल्चर मीडियम को निकाला जाता है और नए वाले आपके फ्रेश मीडियम को उसमें डाला जाता है। आइडेंटिकल इन न्यूट्रिएंट्स, पीएच एंड टेम्परेचर, और साथ में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो कल्चर मीडियम आपने निकाला है वैसा ही सेम कल्चर मीडियम जो फ्रेशली बना हुआ है उसको आप इंसर्ट करें, जिस जो आपका उसी पीएच पे काम कर सके, उसी टेम्परेचर पे काम कर सके और वही न्यूट्रिएंट्स हो जो पहले वाले मीडियम में थे। This process of culture medium change can be repeated at appropriate interval. अब ये जो प्रोसेस होती है कि पुराने मीडियम को निकालते हैं, फ्रेश मीडियम को डालते हैं, फिर पुराने मीडियम को निकालते हैं, फिर फ्रेश मीडियम को डालते हैं, तो ये जो चलती है ये कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे चलती है। टाइम इंटरवल पे कैसे चलेगी, जैसे अभी कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे हैं, 12 बजे फ्रेश मीडियम जो पुराना मीडियम था कल्चर मीडियम उसको निकाल के हमने उसकी जगह पे फ्रेश मीडियम डाला, तो फिर 2 घंटे बाद फिर से इस प्रोसेस को करेंगे, फिर 2 घंटे में फिर इस प्रोसेस करें, तो एक टाइम लिमिट होता है, एक टाइम डिसाइड कर लिया जाता है, उस टाइम इंटरवल पे इस प्रोसेस को बार बार किया जाता है, ठीक है। टाइम इंटरवल पे, अप्रोप्रिएट इंटरवल पे। In the semi-continuous fermentation, the lag phase and other non-productive phases are very much shortened. अब इस प्रोसेस में semi-continuous fermentation की प्रोसेस है जिसमें मीडिया को बार बार रिप्लेस किया जा रहा है, पुराने मीडिया को बार बार नए मीडियम से रिप्लेस अगर किया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका lag phase है और जो कुछ और एक्स्ट्रा फेजेस होते हैं, जैसे डी एक्सेलरेशन फेज होता है या फिर आपका जो स्टेशनरी फेज है, कुछ जो ज्यादा वैल्यू के फेजेस नहीं होते हैं वो फेजेस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। जैसे लैग फेज है, लैग फेज क्या होता था, सिर्फ आपके रिएक्शन को स्टार्ट करता था, एक्सेलरेट करने का मतलब जस्ट स्टार्ट करने का, नॉट एक्सेलरेट, स्टार्ट करने का, इनिशिएट करने का काम होता था लैग फेज में, ठीक है। तो ये जो लैग फेज है उसका टाइम जो है बहुत छोटा रहता है।
और अन्य जो कुछ प्रोडक्टिव फेज रहते हैं उनका भी टाइम बहुत शॉर्टेंड शॉर्टेंड रहते हैं, बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही ये फेजेस रहते हैं। मेनली जो इसमें रहेगा वो लॉक फेज रहता है। द प्रोडक्ट आउटपुट इज मच हायर कंपेयर टू बैच कल्चर सिस्टम। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए बैच कल्चर सिस्टम या फिर फेड बैच कल्चर से, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी जो यील्ड है वो हाई यील्डिंग रहती है। ठीक है, हाई यील्डिंग मतलब अच्छी पैदावार होती है, अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्ट की यील्डिंग बहुत ज्यादा है क्योंकि। ठीक है, द प्रोडक्ट आउटपुट इज मच हायर कंपेयर टू बैच सिस्टम। सेमी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन टेक्निक हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा सेमी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज अल्कोहल प्रोडक्शन में, वाइन इंडस्ट्रीज में, और जहाँ अल्कोहल्स बनते हैं, जैसे कि आप लोग के छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आपका अल्कोहल फॉर्मेशन कहाँ होता है, कुम्हारी में, केड़िया का जो एक अल्कोहल अल्कोहल का प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जहां पर आपका जो है बेवरेजेस बनते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस, वहां पर हो, जाहिर सी बात है जो फर्मेंटर लगे होंगे उसमें क्या कौन सा प्रोसेस होता होगा, सेमी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस होता होगा, जिसमें आपको बार बार कल्चर मीडिया को, हमको पुराने वाले को रिमूव करना होता है और नए मीडियम से उसको रिप्लेस करना होता है। ठीक है, इसमें बहुत जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं फर्मेंटेशन के वो ग्रोथ लिंक्ड होते हैं, और ये जो ग्रोथ लिंक्ड होने की वजह से जो प्रोडक्ट हमको बनाना है, जो प्रोडक्ट जैसे हम अगर वाइन का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों से, बारले से, मोलेसेस से भी वाइन प्रोडक्शन किया जाता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट है जिसका फॉर्मेशन हमको करना है वो ग्रोथ लिंक्ड होते हैं। और कब बनते हैं, जब लॉक फेज का अंत होता है। लॉक फेज का होता है, लॉक फेज में क्या होता है, जब आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन करते हैं लॉक फेज में। ठीक है, लैग फेज जो है जस्ट स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस को, उसके बाद एक्सिलरेशन फेज आता है, जब आप गाड़ी को एक्सिलेटर देते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है, तो लैग फेज के बाद एक्सिलरेशन फेज, एक्सिलरेशन फेज के बाद आपका आता है लॉक फेज, जब एकदम खटाखट खटाखट जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते जाते हैं लगातार। सब्सट्रेट को यूज करेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे, सब्सट्रेट को यूज करेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो वो लॉक फेज में प्रोसेस होती है। तो आपका जो मेन सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन जो है ये लॉग फेज पर बहुत आधारित होता है, लॉग फेज पर, क्योंकि इसमें कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन हो के क्या बनता है, आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो होता है। इसीलिए इसे यूजुअली इथेनॉल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, खासकर अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए सेमी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। There are, however, certain disadvantages of semi-continuous fermentation. कुछ इसके लेकिन disadvantages भी हैं, जैसे कि आपका technical difficulties होती है, इसको handle करना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत जो expert लोग हैं वो ही इस fermentation technology को handle कर सकते हैं। जब bioreactor में ये technique use होती है, fermentation जो है semi-continuous fermentation होता है, तो आपका इसको हैंडल करना, टाइम टाइम पे मीडिया को निकालना, टाइम टाइम पे नया मीडिया ऐड करना, उसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हैंडलिंग में इसकी ऐसे पर्सन को कराई जाती है जो बहुत एक्सपर्ट हो इस मामले में, इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है। और इसका जो है लॉन्ग कल्चर पीरियड रहता है, बहुत लंबी प्रोसेस चलती है इसमें, और इसलिए लगातार देखना रहता है, और लंबी प्रोसेस चलने की वजह से इसमें कंटामिनेशन का भी खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, म्यूटेशन एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन, इसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी हो सकता है और खाद में म्यूटेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि अगर कोई फूड प्रोडक्ट है, कोई पेय पदार्थ का प्रोडक्शन हो रहा है और अगर आपके माइक्रोब्स में म्यूटेशन हो रहा है तो कल जाके क्या होगा, फूड प्रोडक्ट ही बर्बाद है और कि कोई उसको जो खाएगा वो उसको बीमारी हो सकती है, बहुत बड़ा केस बन सकता है ये। तो इसलिए जो है बहुत सावधानी से इसे किया जाता है, बहुत एक्सपर्ट लोग ही इसे करते हैं और बहुत निगरानी में इसे किया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि इसमें म्यूटेशन और मैकेनिकल ब्रेकडाउन का भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये था आपका सेमी कंटिन्यूअस, ठीक है, सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, जिसमें एक्चुअल में क्या करते हैं, जो कल्चर मीडियम का एक पोर्शन रहता है, एक पोर्शन जो होता है, थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा हिस्सा कल्चर मीडियम का, उसको निकालकर उसे नए मीडियम से रिप्लेस करते जाते हैं, ये सेमी कंटिन्यूअस था। अब हम लोग कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन को पढ़ते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन।
कंटिन्यूअस कल्चर और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, अगर कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन की बात की जाए तो ये एक ओपन सिस्टम होता है, जो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन होता है ये एक ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये जो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है ये ओपन सिस्टम है जिसमें इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ कल्चर मीडियम कंटिन्यूअसली एंड रिप्लेसमेंट ऑफ दिस विद अ फ्रेश स्टराइल मीडियम। इसमें लगातार आपके जो पुराना कल्चर मीडियम आपके बायो रिएक्टर में है वो कंप्लीट बार बार पूरा पूरा जो है कल्चर मीडियम वो कंप्लीटली बार बार रिमूव किया जाएगा, नया डालते जाएंगे, कंप्लीट रिमूव किया जाएगा फिर नया डालते जाएंगे। तो ये इसलिए ओपन सिस्टम रहता है जिसमें आसानी से निकालते बने, रिमूव करते बने और आसानी से उसे रिप्लेस करते बनते जाए। ठीक है, इन अ बायोरिएक्टर के अंदर बोथ एडिशन एंड रिमूवल आर डन एट द सेम रेट। जो दोनों एडिशन है और रिमूवल है, जब हम जितना मीडिया हम निकाल रहे हैं उसी रेट का, उसी दर का नया मीडियम हमको डालना है, तो रेट जो है उसका सेम रहता है, सेम रेट, सो दैट द वर्किंग वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ताकि जितना मीडिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं केजी में बता रही हूं, अगर 5 kg आपने मीडिया निकाला तो 5 kg ही मीडिया आपको क्या करना होगा, 5 kg ही मीडिया आपको डालना होगा वापस से, लेकिन वो फ्रेश वाला रहेगा ताकि जो प्रोसेस चले उसमें गड़बड़ी मत हो। ठीक है, प्रोसेस भी अच्छे चले, कांस्टेंट रेट पे रहे, इसलिए जो है वॉल्यूम जो है रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहे, इसलिए जो है जितना हमने निकाला है कल्चर मीडियम उतना ही फ्रेश मीडियम हम डालेंगे। ठीक है, फर्दर टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट कंडीशन इन इन कंटिन्यूस प्रोसेस इट इज एडवाइजेबल दैट द सेल लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ आउटफ्लो इज बैलेंस्ड बाई ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो एक स्टेडी कंडीशन लाने के लिए, मतलब जो प्रोसेस चल रही होती वो चलते रहे, कोई प्रॉब्लम मतलब स्टेडी स्टेट में आ जाए, उसके लिए एक चीज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि वो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ। क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ रेट है अगर वो 90% रेट से ग्रो कर रहे हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डबल हो रहे हैं वो 90% रेट से ग्रो हो रहे हैं, तो उसको मेंटेन करके रखना जरूरी है। अगर आप इसको मेंटेन करके रखेंगे तो अंदर की सभी चीजों का, जितनी भी प्रोसेस हो रही है घूमने की प्रोसेस और प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस, वो भी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्टेडी स्टेट पर रहेगी। लेकिन अगर ये बैलेंस छूटा, ये बैलेंस को कोई प्रॉब्लम हुआ इस 90% के जो आपने रेट निर्धारित किया है, तो आपका फर्मेंटर के अंदर भी प्रॉब्लम आपकी होगी। ठीक है, द टू कॉमन टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन एंड बायोरिएक्टर्स, दो प्रकार के आपके कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन का जो बायोरिएक्टर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। एक होता है होमोजेनियसली मिक्स्ड बायोरिएक्टर और दूसरा होता है प्लग फ्लो बायोरिएक्टर। इन दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से होते हैं। कंटिन्यूस के अंदर दो अलग टाइप के बायोरिएक्टर्स या फिर दो अलग टाइप के फर्मेंटर्स। ठीक है, इससे पहले डिफाइन क्या है, पहला वाला होमोजेनिसिटी, होमोजेनियसली मिक्स बायोरिएक्टर, होमोजेनियसली होमोजेनियसली मिक्स्ड बायोरिएक्टर, इसके बारे में देखते हैं। देखो बायोरिएक्टर का जो मेन जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, इनलेट आउटलेट के बना रहता है और इसमें क्या लगे रहते हैं आपके रोटर्स लगे रहते हैं जो एक्चुअल में घूमते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, जितना भी अंदर कंटेंट डाला रहता है उसे वो गोल गोल जो है घुमाने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपके रोटर्स हैं और रोटर को कौन घुमाता है, मोटर घुमाता है। ठीक है, अब इन दिस टाइप द कल्चर आइसोल्यूशन सॉल्यूशन इज होमोजेनियसली मिक्स्ड एंड द बायोरिएक्टर ऑफ टू टाइप्स। इसमें जो है होमोजेनियसली मिलाया जाता है, घुमाया जाता है, किसको, आपके कल्चर मीडियम को मिक्स किया जाता है कल्चर सॉल्यूशन को, और इसमें दो प्रकार के बायोरिएक्टर यूज किए जाते हैं। पहला जो बायोरिएक्टर है इसमें वो है कीमोस्टैट,
कीमोस्टैट जो बायोरिएक्टर है उसको देखते हैं। कीमोस्टैट बायोरिएक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन सोर्स सॉल्ट ऑक्सीजन इज एडजस्टेड टू कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड मेंटेन अ स्टेडी स्टेट। इस कीमोस्टैट में क्या होता है, जितनी भी चीजें आपने डाली है ठीक है, उन सभी चीजों में जो कल्चर मीडियम आपने यूज किया, मीडिया जैसे आप नैम मीडिया बनाते हैं वैसे ही अगर इसमें जो कल्चर मीडियम यूज कर रहे हैं आप, उस कल्चर मीडियम का एक कोई कंटेंट को आप ऊपर नीचे करके, मतलब आप उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को, एक किसी एक चीज का कंसंट्रेशन को एडजस्ट करके आपको अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो आपने कल्चर मीडियम लिया है इसके अंदर डालने के लिए, मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए, इस फर्मेंटेशन करने के लिए, उस कल्चर मीडियम का किसी एक कंटेंट को आपको एडजस्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने नैम मीडिया बनाया है, तो नैम मीडिया बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बीफ एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, एनएसीएल यूज करते हैं, पेप्टोन यूज करते हैं, अगार अगार यूज करते हैं, डिस्ट्री वाटर यूज करते हैं। अगर आपका जो मीडिया आपने बनाया उस मीडिया का एक चीज भी अगर एडजस्ट किया तो कम कर दें या तो एक्स्ट्रा कर दें तो फर्क पड़ेगा कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगार, अगार सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, जेल का जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है, जेल के लाइक जो एक स्ट्रक्चर है वो ही प्रोवाइड करता है। तो एक बात बताओ कि अगर आपने अगार को कम कर दिया तो आपका जो सॉलिडिफाई जो मीडिया है वो कम सॉलिडिफाई होगा, वो थोड़ा ज्यादा लचीला हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा सॉलिडिफाई नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो बैक्टीरिया है वो ग्रो तो करेंगे लेकिन वो अच्छे से उतने ग्रो नहीं कर पाएंगे, जितना क्वांटिटी में हमको दिखते हैं कॉलोनीज वैसे नहीं दिख पाएंगी, क्योंकि एकदम ज्यादा लचीला होना सही नहीं है। उनको ऐसा सरफेस चाहिए रहता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जिसपे वो अच्छे से अपना कॉलोनीज को पूरा फैला सके, तो ज्यादा लचीला रहेगा तो नहीं फैला पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट, वही चीज बताया जा रहा है कीमोस्टैट में, कीमोस्टैट बायोरिएक्टर में, जो आपके सेमी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन के अंतर्गत बताया गया है कि आपका जो ये है जो कल्चर मीडियम यूज कर रहे हैं उसमें जितने भी कंटेंट डले हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट डला होगा, नाइट्रोजन सोर्स होगा, सॉल्ट होंगे, ऑक्सीजन होगा, इन इनमें से कोई भी एक का, एक सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है उसको एडजस्ट करके हम माइक्रोबियल सेल की ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं स्टेडी स्टेट में। हम चाहते हैं कि हमारा जो माइक्रोबियल सेल्स का जो ग्रोथ है वो स्टेडी स्टेट में रहे, तो इनमें से कोई भी एक चीज जो कल्चर मीडियम में डली है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट डला है वो, या फिर ऑक्सीजन है, या फिर आपका नाइट्रोजन है, इनमें से कोई भी एक चीज को एडजस्ट करके हम माइक्रोबियल सेल्स की ग्रोथ को स्टेडी स्टेट में ला सकते हैं। ठीक है, कीमोस्टैट के बाद होता है एक टर्बिडोस्टैट। इसी के अंदर आपके होमोजेनियसली मिक्सड बायोरिएक्टर के अंदर, मतलब जो कंटिन्यूस के अंतर्गत है, इनमें एक होता है टर्बिडोस्टैट। टर्बिडोस्टैट में क्या होता है देखते हैं, टर्बिडोस्टैट बायोरिएक्टर। इन दिस केस टर्बिडिटी मेजरमेंट इज यूज्ड टू मॉनिटर द बायोमास कंसंट्रेशन। The rate of addition of nutrient solution can be appropriately adjusted to maintain a constant cell growth. अब turbidity किसको बोलते हैं? जो turbidity का actually meaning बताऊं तो जैसे turbidity वाला test हम लोग करते हैं, turbidity वाला practical आप लोगों ने MSc में भी किया होगा, जिसमें जो धुंधलापन कितना दिख रहा है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहेंगे तो उसका turbidity का level high रहेगा। ठीक है, ज्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म्स रहेंगे तो वो उतना ही धुंधला हमको दिखाई देगा चीजें, और अगर कम रहेंगे तो चीजें और अच्छे से साफ दिखेंगी। तो टर्बिडिटी रिकॉर्डर लगा होता है, एक यहां पर एक टर्बिडिटी रिकॉर्डर होता है, टर्बिडिटी रिकॉर्डर जो क्या करता है, टर्बिडिटी रिकॉर्डर टर्बिडिटी को नापता है कि कितना टर्बिडिटी हो रहा है, कितना बायोमास है, कितना कंसंट्रेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसमें। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो टर्बिडिटी लेवल भी ज्यादा होगा, टर्बिडिटी का मेजरमेंट ज्यादा आएगा, जिससे हमको पता चलता है कि सेल की ग्रोथ कितनी है। अगर सेल की ग्रोथ अगर अति में ज्यादा हो रही है
तो उसको हम फिर कम करने की कोशिश करेंगे। और अगर सेल की ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा कम दिख रही है, अगर टर्बिडिटी का जो रिकॉर्डर है वो टर्बिडिटी का मेजरमेंट को बहुत कम दिखा रहा है, तो हम सेल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए चीज करेंगे, मीडियम डालेंगे और फ्रेश वाला, है ना। तो वो टर्बिडिटी टर्बिडोस्टैट की वजह की सहायता से, टर्बिडिटी रिकॉर्डर एक लगा होता है टर्बिडोस्टैट की बायोरिएक्टर वाले में, टर्बिडोस्टैट एक बायोरिएक्टर है जिसमें आपका टर्बिडिटी रिकॉर्डर एक लगा होता है जो क्या करता है, आपका टर्बिडिटी को रिकॉर्ड करता है, जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि अंदर कितना कंसेंट्रेशन है, कितना बायोमास है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिससे हम लोग उसके हिसाब से फिर जो है उसको ग्रोथ को कम करने या फिर ज्यादा करने के लिए चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हुआ कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर होमोजेनियसली मिक्सड बायोरिएक्टर में, दो हमने टाइप देखा। अब जो सेकेंड बड़ा टाइप है वो है आपका प्लग फ्लो बायोरिएक्टर। देखो कंटिन्यूअस के अंदर दो मेन है, होमोजेनियसली मिक्सड बायोरिएक्टर और दूसरा है प्लग फ्लो बायोरिएक्टर। लेकिन इसी होमोजेनियसली के अंदर दो थे, कीमोस्टैट बायोरिएक्टर, टर्बिडोस्टैट बायोरिएक्टर, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी कंटिन्यूअस के अंदर जो दूसरा था प्लग फ्लो बायोरिएक्टर, उसको डिस्कस करते हैं। प्लग फ्लो बायोरिएक्टर, इन प्लग फ्लो बायोरिएक्टर द कल्चर सॉल्यूशन फ्लोज थ्रू अ ट्यूबुलर रिएक्शन, सॉरी ट्यूबुलर रिएक्शन वेसल विदाउट बैक मिक्सिंग। द कंपोजिशन ऑफ द मीडियम, द क्वांटिटी ऑफ सेल्स, ऑक्सीजन सप्लाई एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन वेरी एट डिफरेंट लोकेशन इन द बायोरिएक्टर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट मीडियम आर कंटिन्यूअसली एडेड एट द एंट्रेंस ऑफ द बायोरिएक्टर। अब देखिए कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है तो जाहिर सी बात है कंटिन्यू नया नया मीडिया डालते जाएंगे और आपका पुराने पुराने मीडिया को जो है बार बार रिमूव करते जाएंगे, वो तो कंटिन्यूअस है तो होगा ही। लेकिन प्लग फ्लो बायोरिएक्टर में स्पेशल क्या चीज बताया गया है कि जो कल्चर सॉल्यूशन होता है वो ट्यूबुलर रिएक्शन वेसल के द्वारा जो है विदाउट बैक मिक्सिंग जो है ग्रो करता है, जिसमें उसको समझाने के लिए मैं क्या करूं, हाँ जैसे ये आपका बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर में लगातार डाला जा रहा है नया मीडिया, लगातार पुराने मीडिया को निकाला जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान जो है जो मिक्सिंग होती है, जो आपके जो रोटर्स लगे होते हैं ना, जो मिक्सिंग करते हैं ये, जैसे जैसे नया नया मीडिया आता है तो मिक्सिंग जब करते हैं वो, ताकि सब्सट्रेट को यूज करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट बना सके, तब जब आपका ट्यूबुलर रिएक्शन जो होता है, ट्यूबुलर रिएक्शन वेसल के द्वारा जो है जब प्रोसेस चलती है तो कंटिन्यू मिक्सिंग नहीं चलती है, कई बार बैक मिक्सिंग नहीं होती है, नीचे के जो बच रहे होते हैं, जो नया नया आता रहता है उसको मिक्स कर रहा है, लेकिन नीचे के जो पुराने रह जाते हैं कई बार वो बैक मिक्सिंग जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, इसको लेकर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन भी है, इसको प्लग फ्लो बायोरिएक्टर का, क्योंकि कंटेंट जो है बुक में ज्यादा नहीं दिया है, इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट रहेगा तो उसको मैं कल क्लियर करूंगी इस प्लग फ्लो बायोरिएक्टर को लेकर। हाँ, लेकिन एक चीज है जो इसमें बताई गई है कि जो आपका जितना ऑक्सीजन का सप्लाई इसमें है, और जैसे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है या फिर मीडिया का कोई कंपोजिशन है या फिर जो सेल की क्वांटिटी है, ग्रोथ सेल, जो आपके माइक्रोबियल सेल्स की जो क्वांटिटी है इसमें, वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होती है। अलग अलग लोकेशन से मतलब आप सोचोगे मैडम बायोरिएक्टर तो एक ही, अलग अलग लोकेशन क्या हुआ फिर, तो फेजेस होते हैं ना अलग अलग, लैग फेज, लॉग फेज, डेथ फेज, एक्सेलरेशन फेज, तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइम पे जो है आपका अलग अलग लोकेशन से, कहने का मतलब ये है कि आपका एक नीचे वाला लोकेशन, एक मिड वाला लोकेशन होता है, तो अलग अलग लोकेशन पे ऑक्सीजन के लेवल्स और आपका जो कल्चर मीडियम है उसका कंपोनेंट्स का कंपोनेंट्स प्लस साथ में प्रोडक्ट का बनना, ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग बनता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि मीडियम जो है तो मध्य भाग है, वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन नीचे वाले भाग में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना नहीं हो रहा है, तो अलग अलग जगह पे ये सब चीजों का जो कंसेंट्रेशन है वो अलग अलग होता है।
और इसमें जो है क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लगातार डालते जाते हैं आपका, जैसे जैसे मीडियम भी डालते जाएंगे तो साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में डालते जाते हैं, ताकि प्रोसेस अच्छा हो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होते जाए साथ जल्दी जल्दी। तो इसमें कल्चर मीडियम के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तो हो गया इसका प्लग फ्लो का। प्लग फ्लो से रिलेटेड और कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं कल उसको बताऊंगी कल की क्लास में। अब अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन को देखें, अगर इसी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन की टेक्नोलॉजी को यूज कर, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन वाला टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो बनते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, आप लोगों का जो अल्कोहल है, जो बियर बनती है, बियर बनाने के लिए कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन यूज किया जाता है, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, दवाइयां बनाने के लिए यूज किया जाता है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट जहां पर होता है वहां पर भी फर्मेंटर है, जहां पर कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। और अगर एडवांटेजेस देखें इसके क्या फायदे हैं, तो फायदे में एक है आपका जो बायोरिएक्टर का जो साइज है और जो अन्य इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के लिए, ये छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े फर्मेंटर्स नहीं होते हैं, ये ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, जो बायोरिएक्टर का साइज जो है वो छोटा होता है। ठीक है, और इसमें जितनी चीजों की आवश्यकता होती है, अगर छोटा साइज बायोरिएक्टर ही है तो इसमें जितनी चीजें लगेगी, जो कंपोनेंट्स लगेंगे वो भी कम मात्रा में लगते हैं, अधिक अत्यधिक मात्रा।